सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल है वो फ्लूइड फ्रिक्शन अपरेटस पर है। ये फ्लूइड फ्रिक्शन अपरेटस हमारे साथ और ये इसके जो कोर पार्ट है इसमें हम आप देख सकते हैं पीज़ोमेटेड ट्यूब्स हैं। सो फ्लूइड फ्रिक्शन अपरेटस हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका पर्पज़ क्या है, इस पर किस तरह के प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं। सो मेन पर्पज़ इसका ये है कि हमने हेड लॉसेस फाइंड करने हैं कि जब हमारा फ्लूइड जो है फ्लो जो है डिफरेंट पाइप आपको नजर आ रहे हैं, इसमें जब मूव करेगा फ्लो तो फिर फ्लो जब होगा तो इसमें कौन कौन से लॉसेज आएंगे, फ्रिक्शन लॉसेज कहाँ कहाँ होगा। लेट्स सपोज आपको नज़र आ रहा है ये बैंड है, सो यहाँ पर जो हेड कुछ और होगा, इस बैंड के बाद जो यहाँ पर आएगा हेड वो कुछ और। सो सबसे पहले इसके कुछ पार्ट्स को देख लेते हैं कि क्या है इसके। सो ये जो आपको वाइट पाइप नज़र आ रहा है ये हमारा इनलेट पाइप है और हमने इसको हाइड्रोलिक बैंड से अटैच कर दिया है। सो ये ब्लैक वाला जो पाइप है ये आउटलेट पाइप है। सो आप ये देख सकते हैं कि इसमें तीन सर्किट्स हैं, ये जो इनलेट पाइप आ रहा है ये तीन सर्किट्स में आके डिवाइड हो रहा है। ये ग्रे सर्किट है और ये लाइट ब्लू सर्किट है और ये ब्लू सर्किट है। सो अब इन सर्किट्स पर आपको टेपिंग नज़र आ रही है, जैसे यहाँ पे 9 है, ये 10 है, इसी तरह से यहाँ पे 13 है, नेक्स्ट आगे 14 है। सो ये हमारे स्मूथ पाइप है, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है। उसके बाद ये दो सर्किट जो हमारे पास ये लाइट ब्लू और ब्लू, वहाँ से मूव करके दोबारा यहाँ पे आएंगे और इन वाल से अटैच हो जाएंगे। सो ये वाल हमारे पास कौन कौन से हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी डिटेल्स दी हुई हैं। वैसे इनकी यूज़र गाइड पर भी हर चीज़ है और ये कुछ डिटेल्स यहाँ पर भी हैं कि हमारे पास गेट वाल्व है 1, 2, 1, 2, इन दोनों टेपिंग के दरमियान जो हमारा वाल्व है ये गेट वाल्व है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ग्लोव वाल्व है 3 और 4 पर, ये वाला ग्लोव वाल्व है। नेक्स्ट हमारे पास बाल वाल्व है, ये बाल वाल्व है। इनके स्ट्रक्चर की बुनियाद पर, इनकी जो अंदर की स्ट्रक्चर बना हुआ उस बुनियाद पर इनको नाम दिया गेट, ग्लोव और बाल का। सो अगर हम सबसे पहले अपने ब्लू पाइप को, जो इनलेट पाइप है, इसको अगर हम एनालाइज करें तो इसमें क्या है कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ से लेकर वो कॉर्नर तक जो है ये पूरा का पूरा स्मूथ पाइप है ब्लू, और यहाँ पर आपको ये एल्बो नज़र आ रही है, ये एल्बो है क्योंकि ये इसका कॉर्नर जो है राउंड है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर मीटर कॉर्नर है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये टेपिंग 20 पर है, 20 से 21 तक जो पाइप है वो बिल्कुल स्मूथ है, फिर 21 से 22, सो ये 21 से 22 तक ये आप देख सकते हैं दोबारा स्मूथ पाइप आ गया। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ये एल्बो नज़र आ रही है, ये एल्बो है। सो 22 से 23 तक का जो है ये दरमियान में एल्बो आ रही है। सो ऑब्वियसली जो 22 पर हेड है वो 23 से ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद 23 के बाद दोबारा एक एल्बो आ रही है और फिर हमारा ये आउटलेट वाल्व है गेट वाल्व, उसके बाद ये आउटलेट पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है। सो अगर हम दूसरे सर्किट को एनालाइज करें जो हमारा लाइट ब्लू कलर का है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एरिया जो है यहाँ पे सडन एक्सपेंशन हुई है, ठीक है, इन दोनों का एरिया ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट हमारे पास एक स्मूथ पाइप है 10 से 11 तक, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास एक एल्बो आ गई है, फिर नेक्स्ट हमारे पास ये बैंड है, इसको बैंड कहते हैं, ठीक है, 15 पर, और 15 से 16 तक, ये वाला 15 से 16 तक जो है हमारे पास एक बैंड आ चुका है। सो 15 पर जो हेड होगा वो ज़्यादा होगा 16 से। सो नेक्स्ट हमारा 16 से 17 तक स्मूथ पाइप है, उसके बाद फिर एक बैंड आ गया। सो ये बैंड जो हमारे पास गिवन है, इनके हमारे यूज़र गाइड में वैल्यूज़, इनके रेडियस की वैल्यूज़ गिवन है। ये आप देख रहे हैं ये बैंड का जो रेडियस है ज़्यादा है और वो जो 15 पर बैंड था उसका रेडियस कम है। हमारे पास 17 से 18 तक ये वाला बैंड है, इनका रेडियस हमें, इसका रेडियस भी नोन है। सो उसके बाद ये वाला जो है हमारा सर्किट आउटलेट पाइप, आउटलेट वाल्व में पास करेगा जो कि ग्लोब वाल्व है, और उसके बाद आउटलेट पाइप में मूव कर जाएगा। सो नेक्स्ट जो हमारे पास सर्किट है वो ये थर्ड सर्किट है, ग्रे सर्किट आप देख सकते हैं। सो ये ग्रे सर्किट जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं ये 7 से लेके 8 तक ये तमाम जो हमारे पास पाइप है स्मूथ है। नेक्स्ट उसके बाद ये एक एल्बो आ गई है, और उसके बाद यहाँ पर ये रिमूवेबल पाइप है। सो ये थर्ड सर्किट में, ये ग्रे सर्किट में क्या है कि इसमें हम जो है सर्किट को 3 या 4 पार्ट्स में आगे जो है डिवाइड कर सकते हैं। इसमें हमने फर्स्ट सर्किट के साथ इसको अटैच किया हुआ है, यहाँ से हम इनलेट देंगे और उसके बाद यहाँ से ये आउटलेट वाल्व में चला जाएगा। सो ये 34 से 35 तक, ये आप देख सकते हैं कि ये स्मूथ पाइप है, लेकिन क्या है सडन कंट्रैक्शन हो रही है इस पाइप में, ठीक है। जब हम इस पर प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होगा सडन कंट्रैक्शन पे, तो हम इस रिमूवेबल पाइप को इधर से अटैच करेंगे और उस पाइप को उधर आउटलेट से अटैच करेंगे। नेक्स्ट जो ये हमारे पास दूसरा एक रिमूवेबल सर्किट है, ये स्ट्रेनर है। इसमें आप देख सकते हैं कि स्ट्रेनर इंस्टॉल्ड है। सो हम एनालाइज करेंगे जब इस स्ट्रेनर में से फ्लूड हमारे पास होगा, फ्लो होगा, तो उसमें फिर कितना हेड लॉस होगा। ये स्ट्रेनर है। सो नेक्स्ट हम जो है इस सर्किट से, इसको रिमूवेबल सर्किट को इससे अटैच कर सकते हैं ग्रे सर्किट को, और उससे अगला सर्किट हमारे पास 31 से 30 से 31, ये जो
आपको पाइप नजर आ रहा है, ये रफ पाइप है, ये आर्टिफिशियली रफ किया गया, अंदर इसके कोटिंग है सैंड पार्टिकल की, और सैंड पार्टिकल का जो डायमीटर है वो हमारे पास गिवन है यूजर गाइड में, और वो 0.5 मिलीमीटर। सो ये जो लास्ट सर्किट है हमारे पास, ये वेंचुरी है, वेंचुरी ओरिफिस है, इसका जो इंटरनल एरिया है वो वेरिंग एरिया है, और उसके साथ हमारे पास ये थर्ड में यहाँ पे फिटेड असेंबली लगी हुई है जो ये स्टैटिक प्रेशर हेड को मेजर करने के लिए है।